हेलो फ्रेंड, आशा कर रही हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये देरी ना करते हुए चलती हूँ। ये आटे का नाश्ता बनाने के लिए, तो ये गेहूँ का आटा है जिससे रोज़ हम रोटी बनाते हैं, वो वाला आटा है। तो ये छन्नी की मदद से इसको छान लेती हूँ। जो मोटे कण होंगे वो हट जाएंगे, चाहे घरेलू घर वाली छन्नी हो, चाहे तो ऐसी छन्नी हो, तो किसी भी छन्नी से आप छान सकते हैं। तो आटा हमारा छन गया, तो ये मैं कलौंजी थोड़ी डाल रही क्रश कर के, इससे फ्लेवर बहुत अच्छे आएंगे, खुशबूदार ये हमारा तैयार होगा डो आटे का। और ये मैंने कुछ कलौंजी डाली हुई, ये स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, और अब थोड़ी सी हींग डाल करके और ये डाल देती हूँ इसमें घी। तो ये मेल्ट कर दिया है पूरा, अच्छे तरीके देख रही हूँ लड्डू ये बन रहा है हमारा, समझ लो मोहन हमारा अच्छा बन गया। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो लगा दिया, 15 मिनट के लिए ढक के रख दिया। और ये फोक की मदद से आलू ये बॉयल है, इसको फोल्ड लेती हूँ ताकि थोड़े मोटे पतले कण रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, ये खाने में नाश्ता बहुत अच्छा लगेगा इसका। बना के तैयार करती हूँ। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें, बहुत मेहनत लगती है। और आप इस तरीके से बनाएंगे, बच्चे बूढ़े सभी पसंद करेंगे, और जो भी खाएगा तारीफ करता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया, फिर हींग डाल ली है, और ये थोड़े कुटी हुई मिर्च, और ये सौंफ पाउडर डाला है मैंने। और अब इसमें ये हरी मिर्च डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा हरा धनिया, बस इतने ही मसाले डालने हैं। और इसको पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, फोक की मदद से मिक्स करें या हाथ से करें, मतलब अच्छी तरीके से मिला लें ताकि सारे फ्लेवर इस आलू में पहुंच जाए। तो ये मैं देख रही हूँ बहुत ही बढ़िया टेस्टी बना है, तो ढक के रख रही हूँ इसको। जब तक मैं अपना आटा देख रही हूँ, 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको एक बार थोड़ा और मसल लेना है अच्छी तरीके से। देखिए आटा हमारा बहुत मुलायम, बहुत सॉफ्ट बना है, तो बस इतना ही मुलायम चाहिए था, जैसे कि रोटी वाला आटा होता है उससे थोड़ा और भी मुलायम वाला चाहिए था मुझको। तो ये देखिए छोटी छोटी लोइयाँ काट रही हूँ, तो इस प्रकार से देख दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें लोइयाँ चाहिए। तो छोटी ही लोइयाँ चाहिए हमें, तो ये फोक की मदद से, नाइफ की मदद से काट रही हूँ लोइयाँ। बराबर ही रखना है मुझको ताकि हमारा नाश्ता परफेक्ट बराबर का ही बन के तैयार हो। तो ये देखिए मैं एक बेल के आपको दिखाऊंगी किस तरीके से, कितनी मोटी कितनी पतली बारीक हमें बेलनी है रोटी। तो सूखा आटा कुछ लगा करके थोड़ा सा और बेल लेती हूँ अच्छी तरीके से। वीडियो अच्छी ज़रा सी भी लगे तो लाइक प्लीज करें, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ इसको फिर से, आप रोटी बेल रही हूँ आपको दिखाने के लिए कितनी बारीक, ये देखिए इतनी बारीक मुझको बेलनी है। तो इसी तरीके से सारी रोटी मुझको बारीक ही बेलनी है रोटी की तरीके से। और ये फोक है, जैसे कांटे वाला चम्मच नहीं होता, वो चम्मच से मैं इसको फोक कर रही हूँ रोटी में। इस तरीके से सारी रोटी हमें फोक करके रख लेनी है बना करके। ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ, सारे फोक हो चुके हैं इसके अंदर। तो मैं इस तरीके से सारी रोटी, ये देखिए बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अब चलती हूँ गैस की तरफ, तो एक एक करके मुझको पूरा नाश्ता तैयार कर लेना है। तो ये पैन हमारा गर्म हो चुका है, चाहे तो पैन पे बनाए चाहे तो तावे पे भी बना सकते हैं। घर वाले जो रोटी जिस पे बनाई जाती है उस पे भी ये नाश्ता तैयार हो जाएगा बन करके। तो थोड़ा थोड़ा प्रेस करके सेकनी है रोटी को ताकि हमारी रोटी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सेक जाए। तो इस तरीके से सारी रोटी हमारी सेक चुकी हैं। तो अब चलती हूँ इसको, अब जो आलू की ग्रेवी बनाई थी, ये देखिए आलू का भुरता सॉरी बनाया था, वो मैं गोले की टिक्की बना बना के रख रही हूँ। थोड़ा सा चलती हूँ रोटी को सजाने के लिए, तो ये मैंने तीखी वाली चटनी लगाई है, तो चटनी में हल्की ही लगा रही हूँ क्योंकि भुरता जो मैंने बनाया था बहुत चटपटा बनाया था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लगाना है मुझको। और ये मैं टमाटर सॉस लगा रही हूँ थोड़ा सा, चाहे तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, टमाटर सॉस नहीं है तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं।
तो ये दोनों चटनियाँ हमारी लग चुकी हैं। तो अब चलती हूँ इसको सजाने के लिए। तो अब मैंने प्याज रख दिया और ये शिमला मिर्च रखी है। सब्जी अपनी मनपसंद रख सकते हैं। और ये मैंने एक टमाटर रख दिया है। और अब इसमें रखूँगी वो जो मैंने आलू की टिक्की बनाई थी वो रख रही हूँ। बस इसको इसी तरीके से सामान इसमें सब्जियाँ रख करके फोल्ड कर देना है। बस एक ही बार फोल्ड करना है इसको। और इसी प्रकार से सारे फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। ये देखिए आपको दिखा रही हूँ कितना देखने में अच्छा लग रहा है। वाकई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। तो आप ये ऐसा बना के नाइट में रख सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में बच्चों को टिफ़िन में रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बर्गर पिज्जा का फेल कर देगा। इतना टेस्टी है घरेलू नाश्ता तैयार हुआ है। ब्रेड मैदे से बनाई जाती है तो वो खाने में नुकसान करती है। तो इस तरीके से आप आटे का नाश्ता बना सकते हैं। तो पैन में थोड़ा सा तेल रख दिया, तेल या बटर घी कुछ भी रख सक कर के फ्राई इसको थोड़ा सा अलट पलट करके इसको फ्राई करना है। अच्छा गोल्डन होते ही फौरन इसको निकाल लेना है। ये देखिए अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, करारे क्रिस्पी। तो मैंने निकाल लिया सारा, आपको दिखा रही हूँ कितना डिलीशियस बना हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है और सॉफ्ट। ये सारी रोटी हमारी करारी बनी है, अंदर से सब्जी है ऊपर से, क्योंकि आटे में मैंने मोयन लगाया।